हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके सक्सेस एकेडमी। और आज हम अपनी जो कल वाली वीडियो है उसी का आगे का पार्ट करेंगे, जो कि है डिमांड एनालिसिस। आज का ये सारा पार्ट प्रॉपर हिंदी में ही रहेगा, क्योंकि मेरे को जब सजेशंस आए हैं कि अब से मैं सारी वीडियोस हिंदी में ही बनाऊं। सो लेट अस होप दैट आपको ये इनिशिएटिव पसंद आएगा। सो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक कर लिया था, आज हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स किस बेसिस पे हो सकते हैं, सबसे पहले ये समझिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था। कि हमारे जो क्वांटिटी चेंजेस में, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, जो अलग अलग डिमांड के फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स बोल लीजिए, उनकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है उनके चेंज होने से। तो वही फैक्टर्स अलग अलग वो क्या बना देते हैं हमको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इलास्टिसिटी बना देते हैं। कि जब हम एक पर्टिकुलर फैक्टर के लिए स्टडी करेंगे तो वो उस फैक्टर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी। तो उसी बेसिस पे हमारी फर्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मीनिंग क्या क्लियर होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो डिमांड होगी जहाँ पर हमारे जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज आएगा, किस वजह से, प्राइस में चेंज होने से। ठीक है, मतलब हमारे जो प्राइसेस हैं उसमें कुछ चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें भी काफ़ी कुछ चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले उसके टाइप्स के अंदर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का अगर मैं आपको डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये तो हमारे नीचे हो गई क्वांटिटी और ये हो गए हमारे प्राइसेस। तो जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है क्वांटिटी डिमांडेड लाइन पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक के केस में इलास्टिसिटी रहती है इन्फिनिटी, यानी कि जो स्लोप रहता है उस यहाँ पर डिमांड कर्व का वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर इन केस में क्या रहता है कि अगर हम प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, ये बेसिकली उन केस में होता है जहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा। तो मतलब अगर हमने प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज किया तो पूरी मार्केट की डिमांड उसी एक पर्सन के पास आ जाएगी, जो कि उसको फुलफिल भी नहीं कर पाएगा। तो इस केसेस में क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही प्राइसेस फिक्स रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। बट अगर वो कोई चेंज करेगा भी सही तो उसके अंदर क्या रहेगा, हमारे जो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज वो इनफाइनाइटली आ जाएगा, हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते कि कितना चेंज आ गया। तो यही रीज़न होता रहता है कि हम इसमें जो परफेक्ट इलास्टिक में क्या रहती है हमारी डिमांड इलास्टिसिटी कितनी रहती है, इन्फिनिटी। सो नेक्स्ट हमारे पास है मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक के केस में क्या रहता है कि जो हमारा जो डिमांड कर्व है वो एक फ्लैटर फॉर्म में होता है, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टली बिल्कुल पैरेलल नहीं होता, बट वो क्या रहता है हॉरिजॉन्टली ही, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड होता है, वो कुछ इस शेप में रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस शेप का रहता है जो हमारा डिमांड कर्व है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस केसेस में क्या होता है, जिस केसेस में हमारी मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उस केस में ऐसा होता है कि अगर हम जो मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर पहले क्वांटिटी और प्राइस ले रहे थे हम कुछ भी, अगर हमारे प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज आया है, सपोज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि ये थोड़ा सा चेंज है, तो इस थोड़े से चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ गया आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो जब हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बहुत इलास्टिक ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि थोड़े से प्राइस के चेंज से भी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिवली लें हम चाहे वो नेगेटिवली लें। मतलब कि अगर हम इसको पी से पी वन देखें तब हमारा जो चेंज है वो पॉजिटिव रह रहा है प्राइस कम होने से, और अगर हम ये देखें कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो हमारा चेंज नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या होगा, जहाँ पर हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी रहेगी, वन के बराबर। वन के बराबर कब रहेगी, जब ये इसका स्लोप बिल्कुल सीधा होगा और ये बिल्कुल स्लैंटिंग लाइन होगी 45 डिग्री के एंगल पे, अगर इसको हम किसी भी एक्सिस से मिला के देखें। तो इस केस में क्या होगा, जितना चेंज हम प्राइस में करेंगे उतना ही चेंज हमारी क्वांटिटी में आ जाएगा, बिल्कुल बराबर, इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा।
मतलब कि अगर हमने एक यूनिट प्राइस को कम किया तो वही एक यूनिट ही जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगी, सिंपल की बात है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट केस है, फोर्थ केस, वो होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक का। रिलेटिवली इन इलास्टिक का क्या होता है कि हमारी जो क्वांटिटी, जो हमारी जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो क्या रहती है, वन से कम रहती है, यानी जो स्लोप रहता है डिमांड कर्व का वो वन से कम रहता है, और जो जो हमारी डिमांड कर्व है वो थोड़ी सी स्लैंटिंग रहती है वाइल बीइंग पैरेलल टू द वर्टिकल लाइन। अगर हम कोई वर्टिकल लाइन पैरेलल बना रहे हैं उसको थोड़ा सा स्लांट कर देंगे तो उसी शेप की रहती है लगभग। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा अगर हम चेंज करते हैं तब जाके हमको कुछ चेंज दिखता है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। सपोज़ इस एग्जांपल में ले हम, तो अगर ये प्राइस था पहले और ये क्वांटिटी डिमांडेड हो रही थी और हमने बहुत ज़्यादा चेंज किया प्राइस के अंदर, तब जाके हमको सिर्फ थोड़ा सा चेंज दिख रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में। आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ से अब ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये केस हो जाता है किसका, किसका केस है ये, इन इलास्टिसिटी का, रिलेटिवली इन इलास्टिक का। जब जब हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो या हम यू कहें इलास्टिसिटी है, वो क्या है, वन से कम है। ठीक है, लास्ट केस है परफेक्टली इन इलास्टिक का। परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में क्या होगा, जो डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा, वर्टिकल फॉर्म में, जो हमारा डिमांड कर्व है वो वर्टिकल फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये है कि हम प्राइस में चाहे कितना मर्जी भी चेंज कर ले, हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में कभी कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केसेस में ही होता है, बट ये क्या रहता है कि अगर मान लीजिए कोई हमारी ऐसी नेसेसिटी है, जैसे कि कोई मेडिसिन है, वो एक पर्सन को वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी लेनी ही लेनी है, जो उसकी अल्ट्रा नेसेसिटी है मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी का प्राइस या कुछ भी हो जाए उसको वो उतनी क्वांटिटी में चाहिए ही चाहिए जितनी वो लेना उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो ये तो हमारे थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है कि जो हमारा कस्टमर है उसकी इनकम में चेंज आने से भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है। सपोज़ अगर किसी की इनकम बढ़ रही है कम हो रही है, तो उसकी वजह से वो कितना पहले सामान डिमांड कर रहा था उसमें और अब में चेंज आएगा। अब वो चेंज कौन कौन सा हो सकता है वो हम इसके टाइप्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला तो है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी, जिसका मतलब ये होगा कि अगर हम प्राइस जो हमारी कस्टमर की इनकम में कुछ चेंज ला रहे हैं तो उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसा कि हमने अभी किया था किस केस में, परफेक्टली इन इलास्टिक केस में, वैसा ही कुछ कुछ यहाँ पर हो रहा है कि मान लीजिए कोई नेसेसिटी आइटम है, अगर उस एक जो कस्टमर है हमारी उसकी अगर इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो भी उसने उतनी ही क्वांटिटी में वो चीज़ लेनी है, और अगर उसकी इनकम बहुत ज़्यादा कम होगी तब भी उसको उस क्वांटिटी में लेना ज़रूरी है। तो इस केस में उसकी जो इनकम इलास्टिसिटी है उस कॉमोडिटी की वो क्या रहेगी, ज़ीरो। दूसरा क्या रहते हैं इसमें, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है कि जब प्राइस जो कस्टमर की जितनी इनकम है उसमें उसमें चेंज आने से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया इन दोनों के बीच में। और वो कैसा हो सकता है, यूनिटरी हो सकता है कि सेम अमाउंट में बढ़ रही है, मोर देन यूनिट हो सकता है, मतलब कि जितना चेंज उसकी इनकम में नहीं आ रहा उससे ज़्यादा चेंज किस में आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। और लेस देन वन हो सकती है कि उसकी इनकम में तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया बट उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में उतना चेंज नहीं आया। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारी रह जाती है इसमें नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कमी शो होती है, बट ये भी कई केसेस में एक्सेप्शनल केसेस में आ जाती है, जहाँ पर क्या होता है कि जो इनकम है वो तो किसी पर्सन की बढ़ रही है बट उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसा बेसिकली हम देख सकते हैं जैसे कि कोई जो इन्फीरियर गुड्स हैं उनके केसेस में ऐसा ज़्यादातर होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सस्ता प्रोडक्ट था, हमारी इनकम कम थी हम उसको ले रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारी इनकम बढ़ गई तो हमने उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ने के बजाय कम कर दिया। तो ये क्या है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज़ से जो रिलेशन रखती है, वो रखती है रिलेशन रिलेटेड गुड्स से।
रिलेटेड गुड्स अब दो तरीके के होते हैं, हमने पढ़ा था कि एक होते हैं सब्स्टिट्यूट्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं जो एक दूसरे को जिनको एक दूसरे की जगह रिप्लेस किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। अगर आपको टी नहीं पीनी तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करके कॉफ़ी पी सकते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये सब्स्टिट्यूट होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करना जैसे तारीफ करना होता है ना, वैसे ही कि मतलब एक दूसरे के साथ और भी सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, मतलब कि ब्रेड अकेला उतना अच्छा नहीं लगता, बटर उतना अच्छा नहीं लगता, बट दोनों साथ में मिलके कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं एक दूसरे को और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का इलास्टिसिटी से क्या लेना देना है, वो ये लेना देना है कि एक, अगर इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि एक गुड के जो रिलेटेड गुड है उसके प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड के दूसरे प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या रहता है, इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स में बेसिकली क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है जो चेंज रहता है। पॉजिटिव का मतलब कि अगर प्राइसेस ऑफ जो एक प्रोडक्ट के अगर प्राइसेस हम बढ़ रहे हैं तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है दूसरे प्रोडक्ट की वो भी बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, अब सपोज़ आपको चाय और कॉफ़ी आपके लिए लगभग बराबर है, बट आपको एक चीज़ कंज्यूम करनी ही है। अब सब दोनों का प्राइसेस मान लीजिए, पहले 10 रुपये चाय का प्राइसेस है और 15 रुपये कॉफ़ी का प्राइस है, ठीक है, जैसे हम लिख लेते हैं इसको साथ साथ, जैसे टी का प्राइस हमारे पास है 10 रुपये और कॉफ़ी का प्राइस है हमारे पास 15 रुपये। अगर इस केसेस में हमारे जो कॉफ़ी के प्राइसेस हैं वो बढ़कर 20 रुपये हो गए, तो जो कुछ कस्टमर थे जो पहले कॉफ़ी ले रहे थे वो ये सोचेंगे कि चलो कोई नहीं आज टी ही पी लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो टी की क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो प्राइसेस थे कॉफ़ी के वो 15 टू क्या हो गए 20, यानी वो भी प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड। इस वजह से क्या हुआ, जो क्वांटिटी है जिस गुड की हम बात कर रहे थे यानी टी की, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। तो इसमें क्या हमने देखा कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनमें कैसा रिलेशन रहता है, इस वजह से पॉजिटिव रिलेशन रहता है कि एक के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एक के प्राइसेस कम होंगे तो दूसरे की क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये तो केस था हमारा सब्स्टिट्यूट्स का। दूसरा केस होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। इन्वर्स रिलेशनशिप कैसे, सपोज़ हम बात करते हैं जैसे कि बटर और ब्रेड की, ठीक है। अब सपोज़ करिए बटर का प्राइसेस 10 रुपीज़ था और ब्रेड का प्राइस भी 10 रुपीज़ था, ठीक है। अब किसी को, अब जैसे कि मान लीजिए प्राइसेस ऑफ बटर चेंज हो गए, प्राइसेस ऑफ बटर बढ़ गए, कितने हो गए 15 रुपये हो गए। तो इस केस में क्या होगा कि जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ब्रेड है वो कम होएगी। क्यों कम होएगी, क्योंकि अब जो लोग पहले बटर को लेते थे किसके साथ, ब्रेड के साथ, वो अब ब्रेड के साथ लेना कम कर देंगे, यानी कि वो ब्रेड ही नहीं खाएंगे इस वजह से कि बटर के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, वो कुछ और चीज़ खा लेंगे। ये प्रैक्टिकली वर्ल्ड में ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये सब इफ़ेक्ट हम इजीली अपने आसपास देख सकते हैं कि सपोज़ एक प्रोडक्ट के प्राइस कम हो गए तो उससे जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट था उसकी क्वांटिटी भी हम कम कंज्यूम करने लग गए, ठीक है, इस तरह का केस होता है। तो ये थी बात हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इसके अलावा हमारी दो इलास्टिसिटी और आती हैं जिनका नाम है, एक तो हमारी है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी और एक है डिमांड इलास्टिसिटी। सो एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी किस चीज़ से रिलेटेड है, बेसिकली इसी चीज़ से रिलेटेड है कि हम जो एडवर्टाइजिंग का लेवल है वो कितना बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे कितने लेवल तक का चेंज आ रहा है। मतलब तो सपोज़ हम अपने जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है उसको 10 यूनिट से बढ़ा रहे हैं, तो क्या हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ रही है या कम बढ़ रही है या ज़्यादा बढ़ रही है, इस बेसिस पे हमारे किस चीज़ के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। जो हमारा लास्ट टाइप आता है वो होता है डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये वो डिग्री मेज़र करता है जिस डिग्री से कि एक जो हमारा गुड है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम किसी दूसरे गुड से, मतलब कितने हद तक हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कोई भी दो गुड्स बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। अब आप
जो एक संतरे के लिए जो हमारी सेटिस्फेक्शन है, वही सेम सेटिस्फेक्शन एक एप्पल के लिए नहीं आ सकती किसी पर्सन के लिए। जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बिल्कुल सेम कभी नहीं हो सकता दो प्रोडक्ट्स का। तो हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कि वो किस डिग्री तक एक गुड को सब्स्टिट्यूट कर सकता है दूसरे गुड से अगर प्राइसेस एक गुड के चेंज हो रहे हैं तो। सो अब से हम एक और चेंज कर रहे हैं कि हम जो वीडियोज़ की लेंथ है उसको भी बहुत शॉर्ट रख रहे हैं, तो अभी हम हर वीडियो के अंदर एक ही टॉपिक कवर करेंगे। और जो हमारा डेली लिमिट है कि हमको एक पूरा एक मेन टॉपिक कवर करना है वो हम पूरा कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये होगा कि हम डेली की एक वीडियो के बजाय तीन या चार या दो या तीन, जैसे भी वो पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा, उतनी ही वीडियो अपलोड करेंगे। सो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे बाकी, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा, जो थर्ड पार्ट रहेगा डिमांड एनालिसिस का, उसमें हम आगे करेंगे कि जो यूटिलिटी एनालिसिस होता है या फिर जो हमारा आईसी एनालिसिस होता है, और उसके बाद हमारे अगले पार्ट में हम करेंगे जो डिमांड फोरकास्टिंग है। सो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप स्प्रेडिंग नॉलेज।